जयपुर से आपको खबर बता दें, एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई जयपुर में सामने आई है। कमर्शियल टैक्स ऑफिस में रिश्वत लेते एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। कमर्शियल टैक्स ऑफिस में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अब्दुल कदूस कार्यरत हैं। 34,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने यहां उन्हें दबोचा। निर्धारण करने की एवज में यहां पर रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल एसीबी की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। 34,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने यहां पर दबोचा। कर निर्धारण करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। एक बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम फिलहाल लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ का जो दौर है वो लगातार जारी है। कमर्शियल टैक्स ऑफिस में रिश्वत लेते एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। कर निर्धारण के एवज में रिश्वत मांगी गई थी 34,000 रुपए की राशि लेते हुए। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादविंद्र शर्मा फोन लाइन पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए मनीष, बिल्कुल एसीबी की नजर अब उन भ्रष्टाचारियों पर कड़ी हो गई है और लगातार अपनी नजर गड़ाए हुए, और इसी का नतीजा ये है कि लॉकडाउन के भीतर लगातार एसीबी को जिस तरीके से इनपुट मिल रहे थे और उसके बाद लगातार एसीबी की नजर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर थी, और उसी के चलते आज जयपुर में एक के बाद एक दूसरी जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी ऑफिस का एक कार्य जो मुख्यालय है उसके पास में ही यहाँ पर सेल टैक्स का कार्यालय है, और इस सेल टैक्स के कार्यालय के अंदर कमर्शियल टैक्स का एक ऑफिस है जहाँ पर अब्दुल कद्दूस नाम का जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है उसने जो परिवादी है उससे कर निर्धारण करने की एवज के अंदर 34,000 रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी थी। बेतौर पेशी के तौर पर जो अब्दुल कद्दूस है उसने पहले परिवादी से कुछ जो अमाउंट था वो पहले ले लिया था, और उसके बाद आज यहाँ पर 34,000 रुपए की रिश्वत देते हुए जब यहाँ पर जो आरोपी है जिसको एसीबी ने ट्रैप किया है अब्दुल कद्दूस को, उसको यहाँ पर रकम के साथ बुलाया, और इसके साथ जब इस पूरे मामले को लेकर जो अब्दुल कद्दूस माफ कीजिएगा जो विवादी है उसने एसीबी के अंदर शिकायत कर दी थी कि जो आरोपी अब्दुल कद्दूस है वो लगातार उससे रिश्वत की डिमांड कर रहा है कर निर्धारण करने की एवज में। इसके बाद पूरे मामले का सत्यापन कराया गया तो पूरा सच पाया गया, और इसी के तहत एसीबी ने आज एक बड़ा जाल बिछाया इस भ्रष्टाचारी को अपने जाल में फंसाने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए, और इसी के तहत रंगे हाथों उसको 34,000 रुपए की रिश्वत देते हुए एसीबी की टीम ने दबोचा है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और एसीबी की जो टीम है जो पूछताछ कर रही है कि 30,000 रुपए की जो रकम थी, जो माफ कीजिएगा 34,000 रुपए की जो रकम थी, इस रकम को किस किस को दिया जाना था और कौन कौन लोग हैं इसे पूरे भ्रष्टाचार की जड़ में लिप्त हैं, इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बात तो मनीषा यहाँ पर तय हो गई है कि लॉकडाउन के भीतर लगातार भ्रष्टाचार का जो खेल था वो लगातार चढ़ रहा था, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एसीबी की एक बड़ी नजर थी, और एसीबी ने बीते दिनों जिस तरीके से दो एक बड़े जो ट्रैप जो फेल हुए थे इसी को लेकर के अपने इरादे जता दिए थे कि वो किसी भी सूरत पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ने की सूरत में नहीं है, और इसी का नतीजा है कि आज राजधानी जयपुर शहर के अंदर दो कार्रवाइयों को यहाँ पर एक साथ अंजाम दिया गया है। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। 34,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर दबोचा गया है सहायक प्रशासनिक अधिकारी को।